हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका सोनू टेक्निकल किंग में। दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं, देखिए ये स्कॉर्पियो का कूलिंग कॉइल है, कंडेंसर है, कंप्रेशर है। ये हमने इसलिए निकाल लिया है क्योंकि इसमें कहीं से लीक है और हम बहुत ढूंढे अंदर पर नहीं मिला। दो दो बार डैशबोर्ड खोल दिए, सब खोल लिए, लेकिन फिर भी इसका लीकेज नहीं मिला। हमने इसलिए इसका पूरा सामान बाहर निकाल लिया और आज हम चेक करेंगे इसको। यहाँ से निकाल के यहाँ बाहर सेट कर लेना है पूरा इस तरीके से। तो देखिए, हमने ये नया भी लगाया था, फिर भी लीकेज था, धीरे धीरे लीक हो रहा था। उससे क्या होता है, मतलब गैस भरेंगे तो कुछ ही दिन में निकल जाता है। तो हम लोग पूरा हवा भर के लीकेज चेक किए पर फिर भी नहीं मिला इसका लीकेज। तो आज हम इसको बाहर निकाल लिए हैं, सेट कर लिए हैं। देखिए, इस तरह से सेट कर लेना है कंडेंसर है। अब इससे क्या होगा, ये देखिए मीटर है, इससे हम लगा के इसमें हवा भरेंगे और अब आसानी से चेक कर सकते हैं कि कहाँ से लीकेज है और कहाँ से प्रॉब्लम है। तो मैं इसलिए वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि लोग, कैसा कभी कभी फॉल्ट नहीं मिलता है। स्कॉर्पियो का है, ये एमहॉक का है, ये कूलिंग कॉइल वगैरह है। कस्टमर बहुत दिनों से परेशान था, उसका सही नहीं हो पा रहा था। सोचा कि चलो आज इनका कर ही देते हैं, कि गर्मी बहुत होती है, इसके वजह से एसी तो चाहिए गाड़ी में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चेक कर। इसमें हवा भरेंगे फिर देखेंगे लीक कहाँ से है। तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ और एक चीज़ बता दें। देखिए, इससे हवा भरते हैं, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर ये मतलब इसका है, ये फ्रिज का है, इससे हवा भर सकते हैं। और ये मीटर है, इसको हम यहाँ लगाएंगे। पहले इसको चालू कर लेते हैं लगा के। तो चालू करके वाइब्रेट होने लगा, देखना है कि हवा आ रहा है कि नहीं। देखिए आ रहा है, हवा आ रहा है। अब हम इसको, ये वाला जो है ये लगाएंगे हम। यहाँ पे कनेक्शन है कूलिंग कॉइल का, इसमें हमको इसको लगाना है। प्रेस करेंगे, ये लॉक हो गया, इसको फिर ऐसा घुमा देना है। हाँ, अब इसको, ये वाला सिरा को हम देखिए बीच में लगा हुआ पीला वाला, इसको यहाँ लगा देना है, इससे हवा देख रहा है। कर दिए और इसको खोल देना है, इसको बंद रखना है। अब देखना मीटर उठ रहा है कि नहीं। ओके, मीटर उठ रहा है। अब इसमें हम प्रेशर कम से कम डालेंगे 350 तक डालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, साबुन पानी लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कहाँ से लीक है। अब मान लीजिए अगर ये कंडेंसर से लीक रहा था, इसको चेंज कर देंगे। कोई भी चीज़ लीक रहा तो रिपेयर इसका बहुत मुश्किल है होना। कोई भी चीज़ ख़राब हो तो डायरेक्ट चेंज करना पड़ता है। वो पहले कूलिंग कॉइल में, वो जो सामने देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखा देना, ये कूलिंग कॉइल पहले जैसे लीक था नीचे से, तो हम लोगों ने चेंज कर दिया, पर फिर भी इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। बहुत ही परेशान होने के बाद हम लोगों का फॉल्ट मिल ही नहीं रहा, लीक था, तो फिर निकाल लिया हम लोग। अब इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद जहाँ से लीक मिला उसको चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। मीटर देखिए अभी कितना गया है,
बस साउथ तक पहुंचने वाला है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, वीडियो थोड़ा पॉज कर देता हूँ। ये देखिए हमने शैम्पू पानी लिया है, अब इससे हम चेक करेंगे कहाँ लीक का प्रेशर। देख लेते एक बार कितना गया है, 200 पहुँचने वाला है। इतने में चेक कर सकते हैं, तब तक चालू भी रहेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और हम लोग इधर चेक भी करेंगे। तो ज़्यादातर ये सब कंडेंसर वगैरह चेक कर लिया हूँ मैं, मतलब फिर भी वापस चेक करूँगा पर वहाँ मिला नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ जो है ये कंप्रेशर, इसको हम मैं चेक करना चाहता हूँ सबसे पहले। इस तरीके से आप शैम्पू का पानी दे सकते हैं इसमें, जहाँ से लीक रहेगा आएगा वहाँ से बबल। क्या है दोस्तों, बाहर निकलने के बाद कैसा आराम से आप चेक कर सकते हैं, कहीं से भी ज़रा भी लीक हुआ तो पता चल जाएगा और काम भी आपका अच्छे से हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा सा वीडियो, मतलब मैं एक मोबाइल हाथ में पकड़ा हूँ और वीडियो कर रहा हूँ, हो सकता है कि थोड़ा सा मोबाइल ज़्यादा ही हिले, इसके लिए सॉरी। पर मिलेगा फॉल्ट, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से मिला है। तो दोस्तों मैं पहले इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ कहाँ से लीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, पूरे पाइपलाइन को चेक कर सकते हैं। मैं फाइंड आउट करता पहले, फिर क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरीके से कनेक्शन कर लेना आपको। प्रेशर रखा दी, 400 प्रेशर डाले हैं, 400 पहुंचने वाला है, ठीक है। इस तरह से देखिए दोस्तों, हमने फाइंड आउट कर लिया। बहुत ढूंढने के बाद देखिए कंप्रेसर में से लीक है। देखिए बाल्टी में पानी भर के हम लोगों ने डाल दिया और यहाँ से कंप्रेसर में से लीक है। बहुत ढूंढने के बावजूद भी कितने आदमी इधर इधर ढूंढेगा, इधर फेस देगा पर उधर कैसे देगा, इधर नहीं पता चलता है। ये देखिए बबल आ रहे हैं, यहाँ से लीक है, ठीक है। मेरे दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।